हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको मेडिजी की स्टडी मटेरियल कुछ दिखाने वाला हूं। देखिए, ये मैंने वहां से मेडिजी पब्लिकेशन से मंगवाया है और आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। चलिए, अभी मैं रिवील नहीं करूंगा, देखता हूं ये कौन सी बुक है। डेफिनेटली ये बुक है, ये नॉन प्रॉफिटेबल वीडियो है, मैं किसी का कुछ प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूं, जस्ट मेरे को अच्छा लगा मेडिजी पब्लिकेशन का। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सी बुक मैंने मंगाई है, और अगर ये बुक आप भी मंगा सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। पहले देखते हैं कि ये बुक है क्या। काफ़ी अच्छी पैकेजिंग की हुई है, मेडिजी पब्लिकेशन द्वारा भेजी गई है। आइए निकालते हैं बुक को। पैकिंग अच्छी करते हैं मेडिजी वाले। तो ये बुक है हमारी SSC JEE की, राइट। आप देख रहे होंगे ये SSC JEE की बुक, ये रही बुक। देखिए SSC JEE पेपर वन है, ये जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। प्रीवियस ईयर्स इसमें है ऑब्जेक्टिव सॉल्व पेपर से सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तीनों के। 2007 से 2021 तक का जो भी सॉल्व पेपर है एग्जामिनेशन के जो भी इसमें हुए, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ नॉन टेक्निकल पेपर्स ऑफ सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम, ठीक है। तो ये SSC JEE स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पेपर वन मेडिजी पब्लिकेशन का है, आप देख रहे होंगे। तो मेडिजी पब्लिकेशन की बहुत सारी बुक है, गेट के लिए भी है, मैंने कई बार वीडियो भी बनाई है। ये लेकिन है जनरल इंटेलिजेंस SSC JEE पेपर वन रीजनिंग। अभी अगले मंथ में अब इसका एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो देखिए हम लोग जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट होने वाला। आइए थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं इस बुक में क्या है। मेडिजी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, देखिए SSC JEE जूनियर इंजीनियर का ये बुक है। GS B सिंह सर हैं। सॉल्व पेपर एग्ज़ाम हेल्ड ऑन 2007 का, देखिए इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूरा सॉल्व आंसर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इससे आप प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा आपको इससे बेनिफिट हो पाएगा। देख रहे हैं SSC JEE 2017 का है, ये नॉन टेक्निकल के लिए हो गया ये बुक। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है, मुझे तो मैंने काफ़ी इसकी रेटिंग भी देखी है और बहुत अच्छी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मेडिजी तो एक अच्छा आपको सारी मटेरियल प्रोवाइड करता है, तो आप ये भी बुक ले सकते हैं। चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं हम लोग। ये बुक हो गई आपकी, दूसरा पार्ट देख लेते हैं। आइए दूसरा पार्ट में देखते हैं क्या है। ये एक और है, इसकी भी पैकिंग की हुई है। इसमें निकालते हैं हम लोग इसमें कौन कौन सी बुक। इसमें दो बुक है, वाह देखिए इसमें दो बुक है। इसमें एक बुक है आपकी, ये देखिए एक बुक है SSC JEE 2000 क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस बुक है। इसमें लॉजिकल रीजनिंग है, रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है। देखिए इसमें इसके साथ ही मेरे को एक ये भी मिला है, टेक्निकल सब्जेक्ट कॉमन फॉर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए, है ना, थ्योरी कम प्रैक्टिस बुक जनरल स्टडीज का। इस तरीके का आपको एक पेपर भी मिलता है। इसमें देखिए जनरल स्टडीज़ के लिए थ्योरी बुक सप्लीमेंटेड विथ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कम्प्रिहेंसिव थ्योरी है। उसके बाद आपको फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का भी थ्योरी बुक दिया गया है। उसके बाद आपको जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का प्रीवियस सॉल्व पेपर्स दिया हुआ है, सब टॉपिक वाइज है, वेल इलस्ट्रेटेड थ्योरी है, सॉल्व एग्जाम्पल्स के साथ है इसमें। तो मतलब मेरे को ठीक ठाक लगा है, बहुत अच्छा है, मेडिजी पब्लिकेशन का है। तो चलिए देखते हैं आगे। ये देखिए SSC JEE 2021 जूनियर इंजीनियर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग कम्प्रिहेंसिव थ्योरी, ये प्रैक्टिस बुक है, ठीक है। काफ़ी अच्छा है, सेक्शन ए इसमें कम्प्रिहेंसिव थ्योरी है विथ सॉल्व एग्जाम्पल्स, यहाँ देख सकते हैं। सेक्शन बी में क्या है, मॉक टेस्ट, इसमें 5 मॉक टेस्ट भी दे रखा है यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा है, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारा एग्ज़ाम भी काफ़ी टाइम करीब है, तो हम यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, क्वेश्चन लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हेल्प करेगा। अगर आप भी SSC JEE के एस्पिरेंट हैं तो आप ज़रूर जो है इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं।
हिसाब से तो ये बुक अच्छी है। देखिए मैं इसको और भी आगे इसका यूज़ करूँगा तो इसको बताऊँगा। तो चलिए एक और बुक है, इसमें दो बुक थी, इसमें इसमें एक और बुक है, देखते हैं इसमें इस बुक में क्या है। ये कौन सी बुक है? देखिए ये बुक है जनरल स्टडीज़ की। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। अगर आप SSC, रेलवेज, बैंकिंग, PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गया, UPSC हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस हो, चाहे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम हो, सबके लिए ये बेस्ट बुक है। ठीक है, बी सिंह सर और AP सिंह सर ने इसको रेडी किया है। इसमें देखिए क्या क्या मिलेगा आपको, काफ़ी अच्छी बुक है। देखिए हिस्ट्री एंड कल्चर मिलेगा, इंडियन इकोनॉमी मिलेगा, जनरल साइंस मिलेगा, ज्योग्राफी है इसमें, फिर आपको इन्वायरमेंट है, जनरल नॉलेज है, इंडियन पॉलिटी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छी बुक है ये मेरे हिसाब से। देखिए SSC, रेलवेज, बैंकिंग, PSU, UPSC, स्टेट एग्ज़ाम, हर तरीके के एग्ज़ाम में आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। जनरल स्टडीज़ के बुक है, रिवाइज है, अपडेटेड है, और 2022 के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, क्या है, किस टाइप से दिया गया है इसमें। इसमें सबसे पहले जनरल स्टडीज़ के पार्ट में जनरल नॉलेज दिया गया है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, इस हिसाब से आपको देखिए इस तरीके से पार्टिकुलर्स दे रखा है इसमें। बुक नई है, थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा मेरे को। इस हिसाब से देखिए अच्छा है, अच्छा स्टडी के लिए अगर आप भी चाह रहे हैं किस तरीके का कुछ हो तो पोस्टल स्टडी पैकेज मंगा सकते हैं कोर्स। ये सिर्फ नॉन टेक की बुक्स है, है ना, टेक्निकल के लिए फिर अलग आती हैं बुक। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी है, फिर इसमें फिजिक्स का कुछ कुछ दिया हुआ है, सर GS वाला पार्ट जो है, GK और GS का पार्ट जो है, इससे आप आराम से कवर कर सकते हैं। तो जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए तो मैं रिकमेंड करूँगा, जो किसी कोचिंग क्लास नहीं लगा पाए हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो इस तरीके की ये बुक आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी है। जनरल स्टडीज़ के लिए ये हो गया, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए ये बुक हो गया, और उसके बाद आपके पास पेपर वन का जो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एंड आपका जनरल अवेयरनेस है, प्रीवियस ईयर्स पेपर, ये तो एकदम मस्ट है आपके लिए। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूज़फुल होगा। प्लीज़ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।